फंडामेंटल क्रिकेट के, ठीक है, बैटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका स्टांस है, ग्रिप है, बैकलिफ्ट है, डाउन स्विंग है, फॉलो थ्रू है, ये चीजें होती हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले अपने ग्रिप के साथ में। ग्रिप मतलब बैट को कैसे पकड़ना है, ठीक है। नॉर्मली हमारा ये हैंडल है, हैंडल पे जब हम अपने हाथों को रखते हैं तो हमारे दोनों हाथों के वी बनने चाहिए हमारे हैंडल पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वी का सेंटर पॉइंट कहाँ रहेगा। लाइक ये वी हमारा है, ये वी है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये कहाँ पॉइंट करना चाहिए। तो हमें करना क्या होगा कि हमारा बैट का जो स्लाइस है और जो आउटर एज है इसके बीच में हमारा जो टॉप हैंड है उसका वी पॉइंट करेगा। तो हम करेंगे क्या, इजीली हमने ये करना है, ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे और ये हमारा वी पॉइंट कर रहा है बीच में, ठीक है। इसको हमें चेक अगर करना है कि हमारा वी ठीक है नहीं है, तो हमारा जो नकल है, ये हड्डी जो होती है अंगूठे के ऊपर, ये हड्डी का डायरेक्शन सीधा हमारी स्पाइन से होगा, स्प्लाइस पे होगा। इट मीन्स हमारे ग्रिप ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बॉटम हैंड की। बॉटम हैंड का जो हमारा वी रहता है वो जो स्पाइन है, स्प्लाइस हमारी, उसके ठीक पीछे रहेगा, या फिर इसमें एक छोटी रेंज होती है, आपके कंफर्टनेस के हिसाब से आप इसको हल्का सा बाहर कर सकते हो, बाहर मतलब आउटर एज के साइड भी कर सकते हो हल्का सा, जो आपको कंफर्टेबल फील कराएगा, ठीक है। जब भी हमें बैट को लिफ्ट करना है तो हमें करना क्या होगा, उसमें इनिशियली हमको अपने टॉप हैंड से बैट को लिफ्ट करना होगा। बहुत बड़ी क्या होता है, बैट्समैन करते गए हैं नॉर्मल के बॉटम हैंड टाइट रखते हैं अपने, जब वो बैट लिफ्ट करते हैं ना तो उनका यहाँ ब्लॉक हो जाता है, तो वो करेंगे क्या, सारी गेम उनकी हो जाएगी ऑन साइड की। तो हमें करना क्या है, हमारा जो टॉप हैंड है हमें उसके हेल्प से ही बल्ले के ऊपर लिफ्ट करना है, लाइक दिस, ठीक है। बैट लिफ्ट करने के बाद में हमारा जो बल्ले का बैक लिफ्ट है ये समवेयर फर्स्ट स्लिप या फिर सेकंड स्लिप के आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। बॉटम हैंड हमारा क्या है, जस्ट सपोर्टिंग हैंड है, सपोर्टिंग हैंड, वो टाइट नहीं करना, ठीक है। टॉप हैंड का काम क्या होता है, गाइडेंस देना, गाइड करना, कंट्रोल देना, ठीक है ना। हमारा बॉटम हैंड क्या है, सपोर्टिंग हैंड। कोई शॉट जरूर होते हैं जहां बॉटम का यूज होता है, जैसे कि कट शॉट हो गया, फुल शॉट हो गया, हमारा स्वीप शॉट हो गया, तो बॉटम वहां काम करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सारा क्रिकेट में तो सारा काम जो है टॉप हैंड का ही, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिप हो गया। ग्रिप करने के बाद में हमारा स्टांस, हमारे जो दोनों पैर हैं इनके टो पॉइंट करेंगे, पॉइंट का फिल्टर जहां लगता है वहां इसको पॉइंट करना होता है, दोनों पैर के टो, ठीक है ना। इसे कितना खोलना है, हमारा जो शोल्डर की चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग इसको खोलना है। हमारा सारा वेट है दोनों पैर पे बराबर रहेगा, हमें ये नहीं करना कि आगे रहें या हम पीछे रहें, हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इवनली बोथ लेग, ठीक है ना, दोनों पैर पे बराबर रहेगा हमारा बॉडी का वेट। ये हो गया हल्का सा, क्या करना है हमको, नी फ्लैक्स करना है, फ्लैक्स, ठीक है। स्टडी हेड, हमारा जो आई लेवल है वो सीधा रहेगा, ठीक, हेड हमारा रहेगा स्टडी, हेड को भी हिलाना नहीं अपना, और आपका शोल्डर के पास रखेंगे अपने हेड को, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ठीक है ना। स्टांस, अभी शोल्डर स्लाइटली ओपन डाउन द विकेट, हल्का सा खोलेंगे और डाउन रखेंगे, ये लाइक दिस, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, हमारा स्टांस हुआ, ग्रिप हुआ, बैकलिफ्ट हुआ। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछिए। सर जो प्रॉपर कवर ड्राइव मारते हैं ना सर, ये वाला, तो ये पैर हमारा ओपन हो जाता है इस ऐसे में। ओके, मतलब आपकी बॉडी ओपन हो रही है, ठीक है। तो मैंने अभी देखा ये है ना, जब आप ड्राइव मारना चाहते हो तो आपका शोल्डर ये ऊपर रहता है। हमें इनिशियली क्या करना होगा, जब ड्राइव मारने जाएंगे हम तो आपको अपना शोल्डर को डिप करना है डाउन, ठीक है, डाउन करना है शोल्डर, तो बल्ला ऊपर आ जाएगा। और बॉडी के जो है ना, हमारा साइड ऑन पोजीशन मेंटेन करनी है, बॉडी को ओपन नहीं करना हमें, ठीक है। जब हम ड्राइव मारने जाएंगे, लाइक ये किया हमने, डाउन किया साइड में, फिर ड्राइव मारेंगे, अभी ये खुलेगा नहीं, ठीक है, ये ओपन कभी नहीं होगा। तो इसमें दो चीज़ें करनी होंगी आपको, जब आप ड्राइव मारने जाओगे तो शोल्डर डिप करना है अपना, और बॉडी जो है साइड ऑन रहेगी, ये करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को, सर बैक लिफ्ट मतलब बैक कहाँ से भी आए वो सीधा ही जाएगा। हाँ नहीं, हमें कोशिश करना है इनिशियली कि हमारा बैट उठना चाहिए फर्स्ट लिफ्ट पे, फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बहुत से बैट्समैन हैं जिनका बैक लिफ्ट गली से भी आता है,
तो बैट का गली से आना या आपस से आना ये कुछ बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन बैट का डाउन स्विंग है वो सीधा आना चाहिए बॉल के पीछे। अगर हमने खेलना है कवर ड्राइव तो हमारा बल्ला आना चाहिए फाइन लेग से, अगर हमें खेलना है स्ट्रेट ड्राइव बल्ला आना चाहिए स्टंप के ऊपर से, अगर हम खेलना है ऑन साइड पे बल्ला गली से आएगा हमारा, ठीक है। तो जस्ट पीछे से आना है हमको, ठीक। उसमें बस करो वही चीजें कि बॉडी को अपना साइड में रखो, जब डाउन स्विंग स्टार्ट होगा ना हमारा तो ये हमारा जो एल्बो है राइट हैंड का वो कहीं ना कहीं यहाँ बैठ होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि मेरा डाउन स्विंग ठीक आ रहा है, ठीक है। दो तीन चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें है, जो आप बैट एंड लेफ्ट करेंगे तो आपका ये है ना रिस्ट ऑफ होना चाहिए, बल्ले का फिर हल्का खुला रहेगा फर्स्ट स्लिप पे रहेगा, ठीक है ना। बल्ला जितना अच्छी हाइट से आएगा उतना आपको फोर्स मिलेगा शॉट में, पावर मिलेगी, ठीक है। और कुछ ड्राइव मारते हैं तो बैट इधर से हाँ तो वही है ना कि आप जब ड्राइव मार रहे हो आपका बल्ला साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने बॉटम को बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। जब आप अपना टॉप हैंड टाइट पकड़ोगे तो बल्ला यहाँ नहीं जाने वाला है, ठीक है। टॉप हैंड से बल्ले को आप लिफ्ट कीजिए और टॉप हैंड से बल्ले का डाउन स्विंग स्टार्ट कीजिए तो बल्ला सीधे लाइन में आए। लाइक इन कमेंट्स, बॉटम को कम यूज करो, ठीक है। हमारा क्या है, ये सपोर्टिंग हैंड है, ये हमारा जो पाम है ना ये इसका यूज नहीं करना है बॉटम पे, ठीक है। कुछ और पूछना है? थैंक यू।